हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं। और आज है राधा अष्टमी का दिन, तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंच में हमारे यहाँ बन रहा है कढ़ाई पनीर। वैसे तो ये बन चुका है, बस इसमें थोड़ी क्रीम डालनी बाकी है। हमारा कढ़ाई पनीर हो गया है रेडी। ऑफिस जाने के लिए तैयार। और ये हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट, छोले कुलचे और मैंगो जूस। वो अंशु तैयार हो रही है ऑफिस जाने के लिए। मैं निकल गया हूँ घर से ऑफिस के लिए, और रोज मैं सोचता हूँ कि आज थोड़ा जल्दी निकलूंगा, बट एग्जैक्टली सेम टाइम हो जाता है, रोज वही टाइम हो जाता है डेली। और बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है आज। कल इतना बढ़िया मौसम हो रहा था, बारिश हुई इतनी बढ़िया, और आज इतनी ज़्यादा धूप निकल रही है इतनी तेज़। पिछले साल कोरोना के बाद से नेचर ने हम लोगों के साथ जो मजाक करना शुरू किया है, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे को तो लगता है कि कुछ भी अब कभी नॉर्मल होगा ही नहीं, हमेशा सब कुछ ऐसा ही रहेगा। हर चीज़ एक्सट्रीम में हो रही है। बारिश हो रही है तो इतनी ज़्यादा हो रही है आज। कल बारिश हो रही, इतना बढ़िया मौसम, आज धूप निकल गई, ये भी इतनी निकल रही है कि आँख भी नहीं खुल रही। और ऊपर से ये बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ जाती है, गर्मी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लगने लगती है। अभी इतनी जब मैं आया तो बढ़िया धूप निकल रही थी, पर अभी फिर से मौसम ऐसा हो गया है और हल्की हल्की बारिश होनी दोबारा से शुरू हो गई है। तो हम बना रहे हैं आज शाम के भोजन में अपने, यानी कि डिनर में, मलाई कोफ्ता। ये हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। ये कोफ्ते हैं आलू और पनीर के बने, और ये दो मैं फ्राई कर चुका हूँ, बाकी अभी हो रहे हैं। ये ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर पक रहे हैं। ये ग्रेवी पक रही है, और ये इसमें डाली मैंने अभी अभी क्रीम। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको एक बढ़िया सी तरकीब बताता हूँ। ये है कसूरी मेथी, इसको थोड़ा सा लेना हाथ पे, ऐसे इसको क्रश करना और इसमें ऐसे सब्जी में डाल देना, टेस्ट एकदम से चेंज हो जाएगा। ये डाल दी मैंने इसमें कसूरी मेथी। सो ग्रेवी इज़ रेडी, और ये रखे हैं कोफ्ते। अब ये ग्रेवी इनके ऊपर पोर कर देंगे वाली गार्निश के लिए थोड़ा सा धनिया। सो आवर मलाई कोफ्ता इज़ रेडी, सक्सेस। डिनर हमारा हो चुका है, और एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है, ये मैं लेके आया था लड्डू, और ये एक शॉप है, आई डोंट नो कि और भी कहीं है कि नहीं, बट ग्रेटर नोएडा में अल्फा में एक लड्डू यूपी 16 करके है, जो ढाबा एक फ्रेंचाइजी है आई थिंक, उसके साथ ही ये कुछ है। और ये डिब्बा मैं लेके आया था, हालांकि अब इसमें लड्डू तो दो ही बचे हैं, बट ये मैं जोधपुरी लड्डू लाया था और ये बेसन के लड्डू लाया था। इनका जो टेस्ट है, इट इज़ रियली वेरी अमेजिंग। अगर आप कभी ग्रेटर नोएडा जाएँ तो अल्फा वन सेक्टर जाइए, और ये यूपी 16 लड्डू के लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही यम है। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा जल्दी ही आपको एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।